अलवर में पत्नी के हाथों पीटे स्कूल प्रिंसिपल पति सामने आए हैं। पीड़ित ने पत्नी की बेरहमी की जो कहानी बताई वो हैरान कर देने वाली है। प्रिंसिपल के साथ जो भी हुआ वह भी उसे डरते डरते बता पा रहे हैं। पति ने बताया कि वो पत्नी की पिटाई केवल बच्चों के लिए सहन करता रहा ताकि उसका घर ना टूटे। उसे खुद नहीं पता कि पत्नी किस बात को लेकर उसकी पिटाई कर रही है। प्रिंसिपल ने बताया कि यहाँ तक कि उसके कपड़े फाड़ कर जला दिए गए। कुछ सालों में जब उसका अत्याचार बढ़ने लगा तो आखिर ये कदम उठाना पड़ा। पीड़ित प्रिंसिपल का कहना है कि वो अपनी प्रॉपर्टी अपने नाम करना चाहती थी। जिस मकान में वो रहते हैं वो पीड़ित के नाम है। वहीं मंगलवार सुबह मामला सामने आने के बाद पीड़ित पति ने पूरे घटनाक्रम के बारे में बताया। उसने बताया कि वो औजार से तो कभी तवे से पिटाई करती थी। पीड़ित ने उन औजार को भी दिखाया जिसके साथ उससे मारपीट की गई। इनमें से कई नुकीले औजार के साथ रिंच और पाना भी था। इन औजार के साथ उमर ने कई बार अजीत पर पिटाई की। पीड़ित अजीत यादव हरियाणा के खरखड़ी स्कूल के प्रिंसिपल रैंक के टीचर हैं। अजीत का कहना है कि पत्नी सुमन भिवाड़ी का फ्लैट खुद के नाम कराना चाहती है, उसी में दोनों रहते हैं और इसके अलावा दूसरी प्रॉपर्टी भी अपने नाम करवाने की इज्जत करती थी। इस मामले में अभी पत्नी का कोई बयान सामने नहीं आया है। जब उनके आशियाना आंगन स्थित सोसाइटी में बने मकान पे पहुंचे तो वहां ताला लगा हुआ था। इनके वकील गोविंद सोनी का कहना है कि पत्नी इतना मारपीट करती थी कि अजीत मानसिक रूप से बीमार रहने लगे। हमने सीसीटीवी दिखाया तो पुलिस को बताया भी, लेकिन कोई सहयोग नहीं मिला। राजस्थान हाई कोर्ट गए, वहां से पुलिस प्रोटेक्शन दिया गया। अब एक महीने से परिवादी अपने घर नहीं घुसा है। पत्नी की पिटाई का डर था जिसके बाद घर जाना ही बंद कर दिया। कभी हॉस्टल में तो कभी पीजी में रुकने लगा था। वकील ने बताया कि सुमन का एक भाई अमेरिका में रहता है। दोनों ही मिलकर उसे परेशान करते आ रहे हैं। दोनों की 9 साल पहले शादी हुई थी, जहां 8 साल का एक बेटा है। पत्नी कई बार पति की पिटाई करती है, बेटा सब देखता है। कई फुटेज में बेटा भी डरा सहमा दिखा है। पत्नी अपने पति को कमरे में दौड़ा दौड़ा कर पीटती है और इसका वीडियो भी काफी वायरल हो रहा है। इधर पत्नी का इस पूरे मामले में कोई बयान सामने नहीं आया। और बात बात पे मारपीट और गाली गलौज करती है और बिना किसी कारण के और बिना किसी के वो झगड़ने लग जाती है। और बात बात में वो कभी जो भी उसको हथियार मिलता है, जो भी घर में चीजें मिलती है, उनसे मारने लग जाती है। कभी पाइपरिंग से, कभी बैट से, बच्चे के, और हमेशा लड़ती और झगड़ती रहती है। राजवाटिका विवाह घर सर्व सुविधा युक्त प्राकृतिक सुंदरता से ओत प्रोत। राजवाटिका विवाह घर में एंगेजमेंट, तिलक, शादी, रिसेप्शन, वेडिंग शूट, जन्मदिन पार्टी, जन्माष्टमी सहित अन्य कार्यक्रमों के लिए विवाह घर उपलब्ध। अपने मांगलिक कार्यक्रमों को यादगार बनाएं शहर के मध्य वातानुकूलित राजवाटिका मैरिज गार्डन के साथ। हमारा पता है राजवाटिका मैरिज गार्डन, नेशनल हाईवे, जूला मोड़, भुंडहा, रीवा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9827004251।